नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ मुकुल स्तीजा। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे आईटीआई चौक के नज़दीक, जहां पर दो से तीन गाड़ियों के बीच में जोरदार टक्कर हो जाती है। गाड़ी आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाती है। फल से भरा हुआ एक टेम्पो भी था, उसके अंदर भी जो है टक्कर लग जाती है। उसके बाद टेम्पो जो है पलट जाता है। हालांकि एक और गाड़ी जो आप देख सकते हैं कि स्विफ्ट गाड़ी है, उसमें भी टक्कर लग जाती है और आगे से और पीछे से काफ़ी ज़्यादा डैमेज जरूर हो जाती है। हालांकि सूचना मिलते ही पुलिस की टीमें भी मौके पर पहुंच जाती है। जिनकी गाड़ियां हैं वो भी यहां पर मौके पर पहुंचे हुए ज़रूर नज़र आ रहे हैं। हालांकि किसी को चोट नहीं आई। हालांकि देखते हैं कि किस तरीके से फल फ्रूट जो है वो यहाँ पर बिखर जाते हैं, लेकिन सूचना मिलते ही पुलिस की टीमें भी मौके पर पहुँच जाती है। आपकी गाड़ी भी इनमें से कोई है? आपकी गाड़ी है सर? तो हालांकि देखते हैं कि यहाँ पर जो है फिलहाल कोई भी बोलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन देखते हैं कि दो से तीन गाड़ियों में टक्कर ज़रूर हो जाती है। एक गाड़ी जो है फल फ्रूट से भरी हुई थी, वो भी पलट जाती है। छोटा टेम्पो था, लेकिन उसके बाद सूचना मिलते ही जो है पुलिस की टीमें भी मौके पर पहुँच जाती हैं। दो से तीन गाड़ियों में ज़ोरदार टक्कर हो जाती है और उसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस की टीमें भी मौके पर पहुँच जाती हैं। ये जो टेम्पो था वो पलट जाता है। तो देख सकते हैं कि फल से भरा हुआ ये थ्री व्हीलर है जो पलट जाता है। क्या आप चला रहे थे इसको? मैं चला रहा था, बाकी यहाँ खड़ा हुआ था ये। अच्छा, खड़े हुआ? खड़े खड़े में नशे में धोता, इसने आगे टक्कर मारी इसने। अच्छा, कौन सी गाड़ी ने? ये वाली गाड़ी जो है इसके पास में लगी हुई। कौन चला रहा था इसको? इसको 112 डायल के अंदर बैठा हुआ है लड़का। अच्छा, तो क्या हुआ, खड़े हुए थे यहाँ पे? हम खड़े हुए थे जी यहाँ से, मगर थोड़ा रेस्ट करने चाय पानी पीने के लिए रुके हुए थे जी यहाँ पे। पीछे टक्कर मारी जिसने आगे थ्री व्हीलर में लग तो सारी थ्री व्हीलर यहाँ पे पलट गया। फिर शिफ्ट में वो शिफ्ट गाड़ी है पंजाब नंबर, उसमें मारी जिसने। अच्छा, नशे में धोता है, चोट वगैरह सारे बाहर हो गया। बचाव होगा जी, बहुत ज़्यादा बचाव। गाड़ी के अंदर थे नहीं आप? बाहर थे जी, गाड़ी के अंदर हो गया था। नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ? वो नुकसान तो जी मालिक बताएगा जी, मालिक बोल रहा है। बोले भाई लाड़वा जाना था जी मैंने, पानी पत से माल लोड करके ले गया था किराए पे, दिहाड़ी करता हूँ जी मैं, मजदूर आदमी। तो बिल्कुल पानीपत से लाड़वा की ओर जा रहे थे, पपीते अंदर हैं, लेकिन खड़ा हुआ टेम्पो जो है जिसका जो ड्राइवर है वो चाय पी रहा था, लेकिन पीछे से जो है अचानक से एक गाड़ी आती है, बताया जा रहा है तेज रफ्तार में थी, और वो जो है इसको टक्कर मार देती है। टक्कर मारने के बाद जो है थ्री व्हीलर पलट जाता है और उसके बाद हालांकि एक और गाड़ी पीछे से आ रही थी स्विफ्ट, उसके अंदर भी टक्कर लग जाती है। तो बचाव हो गया कि किसी को चोट नहीं आई है, लेकिन नुकसान काफ़ी ज़्यादा ज़रूर हो जाता है। हालांकि ये दिहाड़ी पर जो है पानीपत से टेम्पो को लेकर आए थे, लाड़वा की ओर जाना था, लेकिन रास्ते में ही नेशनल हाईवे करनाल पर आकर जो है टक्कर लग जाती है और उसके बाद सूचना मिलते ही जो है पुलिस की टीमें भी मौके पर पहुंच जाती है। उसके बाद आगे की जांच शुरू कर दी जाती है। देखते कि आगे की जांच शुरू कर दी जाती है। हालांकि इसमें जो है दो से तीन गाड़ियां जो हैं काफ़ी ज़्यादा डैमेज जरूर हो जाती है। उसके बाद देखते कि पुलिस की टीमें भी मौके पर पहुंचकर आगे की तफ्तीश करती हुई नज़र आ रही है। तो हालांकि जो गाड़ी चालक है वो भी यहाँ पर मौजूद है। सर, हुआ कैसे, हादसा क्या हुआ? पिछों गड्डी बजी है, बंदे ने पता नहीं पीती सी नहीं पीती, मौके तो बाद फरार भी सीगा भाई, फड़िया भी सीगा, मुड़ के फिर आ गया सीगा, उन्हें पिछों पीती है, पिछे टेंपू दे बजी गड्डी भरी गड्डी सी, वो हिट करके तो मुड़ के साड़ी गड्डी हिट हुई है। साडा जाने नुकसान कोई नहीं होया, सारे पास बचा आया, पर मेरी गड्डिया नुकसान हो गया है। पीछे से आगे से दोनों पास डैमेज हुई है। चोट वगैरह तो नहीं है? चोट किसी लगी नहीं। बिल्कुल एक बड़ा बचाव हो जाता है, चोट वगैरह किसी को भी नहीं लगी है। हालांकि जो नुकसान है वो काफी ज्यादा जरूर हुआ है, लेकिन आप देखते हैं कि किस तरीके से पुलिस की टीम जो है मौके पर पहुंचकर आगे की जांच करती हुई नजर आ रही है।